एडीजी जोन अखिल कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मंगलवार को विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर तथा रामलीला मैदान तक निकलती है। रामलीला मैदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे रामलीला का राम लक्ष्मण सीता का आरती करके समापन करते हैं तथा वहीं से जनपद वासियों सहित प्रदेश वासियों को नवरात्रि पर संदेश देते हैं। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा को संपन्न कराने के लिए ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करेंगे, जिसको संपन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उसके बारे में भी सभी पुलिस कर्मियों को बताया गया है कि वह कहां पर और किस तरह से अपनी ड्यूटी करेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र को सेक्टर व जोन में बांटा गया है, जिससे सेक्टर के प्रभारी इंस्पेक्टर व जोन के प्रभारी सीओ को बनाया गया है। सभी अधिकारियों को फोर्स को दे दिया गया है, उनके ड्यूटी के पॉइंट को भी बता दिया गया है। मंगलवार को शोभा यात्रा के निकलने वाले समय में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, उस समय कोई भी गाड़ी उस रास्ते से आ और जा नहीं सकेगी। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, एसडीएम पवन कुमार, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, सीओ कैंट श्यामदेव बिंद, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, सीओ मंदिर सुरक्षा अजय सिंह, इंस्पेक्टर सुशील कुमार शुक्ला, सुनील कुमार पटेल, इंस्पेक्टर कोतवाली अजय कुमार मौर्य, टीएसआई मनोज कुमार राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोवर ने कहा, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट गण हैं, जब मैं अपने काउंटर पार्ट पूरे जब पहले आपको मिला राजू कुमार जी, आप अंजनी पांडे जी के साथ में एक्सेस दिया जाए। आपके वाले जोन में भी स्वागत कार्यक्रम है वहाँ पर उसी जगह पर, तो भी आप लोग ज्यादा चले जाएंगे, तो आपको पूरा बता रहे हैं कि आप एसपी सिटी साहब भी आपके साथ आएंगे। एसपी सिटी साहब, ये जो जोन टू से जो शुरू हो रहे हैं वो सब आप अपने ऑफिस को लेकर के पूरा दिन निकाल रामलीला मैदान का जो कार्यक्रम है उसमें प्रभारी एसपी साहू साहब हैं, उनके साथ सीओ श्री प्रेम नारायण तिवारी। देखिए, कल 4 तारीख को जो यहाँ पर विजयदशमी के उपलक्ष्य में इस क्षेत्र में जो शोभा यात्रा का आयोजन होना है, उसको लेकर के जो पूरी प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था है उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी आज यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्यक्रम भी इस परिसर में होने हैं उसके बारे में ब्रीफिंग की गई है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स और जोन्स में बांटा गया है। सेक्टर के प्रभारी इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और जोन के प्रभारी सीओ रैंक के अधिकारी हैं, और इसके ऊपर सुपर जोन्स भी बनाए गए हैं। सभी अधिकारियों को अपनी जो फोर्स आवंटित है
उसके बारे में डिटेल्स दे दिए गए हैं, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है वो बताया गया है। एक ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जो पहले ही कम्युनिकेट कर दिया गया है उसको कैसे लागू किया जाएगा, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो एक दूसरे के साथ लगे हैं उनका समन्वय स्थापित कर इस पूरे आयोजन को सकुशल और एक सुरक्षा के सुदृढ़ घेरे में कैसे संपन्न कराया जाए उस संबंध में पूरी यहां पर आज ब्रीफिंग की गई है। अभी सभी अधिकारी मौके पर अपना अपना ड्यूटी पॉइंट देखने जा रहे हैं। ड्यूटी पॉइंट देखने के उपरांत जो है वो गेस्ट ऑफिसर्स की डीब्रीफिंग सेशन किया जाएगा, उसके बाद सभी को जो है ड्यूटी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर सिविल पुलिस के साथ साथ हमारे पास SSB भी है, हमारे पास PAC भी है, इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड हमारी फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर रहेंगी और पूरी जो व्यवस्था है वो बुकलेट के माध्यम से जारी कर देंगे।